लेकिन उत्तर प्रदेश नंबर एक है किस में? अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक संख्या में कार्यवाहक डीजीपी बनाने में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ बहुत सारे माननीय सदस्यों ने समस्या उठाई है, छोटा पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटना में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। झूठे प्रचार पर खर्च करने में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। अपने लोगों के मुकदमे हटाने में नंबर वन, रोजगारों पर लाठी चलवाने में नंबर वन, महिलाओं के खिलाफ अपराधियों को बचाने में नंबर वन, खड़ी फसल की अन्ना पशुओं द्वारा बर्बादी में उत्तर प्रदेश नंबर वन, दलित पिछड़ों के उत्पीड़न में नंबर वन, गरीबों का हक मारने में नंबर वन, लगी लगाई नौकरी छीनने में नंबर वन, अपनों को पिछले दरवाजे से नियुक्ति देने में नंबर वन। कि आपके जो नई पॉलिसी बनाई है आपने सेमीकंडक्टर की, उससे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी किसी और प्रदेश में नहीं जाएगी, उत्तर प्रदेश में ही आएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने का मतलब है हमारे तमाम उत्तर प्रदेश के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छी डिग्री हासिल है, जिनके हाथ में अच्छी डिग्री है, उन्हें नौकरी करने कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने घर परिवार के बीच में रह करके नौकरी और रोजगार कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कोई और तरह का समझौता हो जहां इसराइल भेजा जा रहा हो लोगों को? आप तो कह रहे थे कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बना देंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर आपने कहा मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। इसी लोकभवन के सामने शिलान्यास हुआ था, आज तक पूरी नहीं हो पाई है, पता नहीं कब बनेगी जाकर। और वो जगह वहां पर बनी जहां पर कैंसर इंस्टीट्यूट है। मुख्यमंत्री जी, प्राइवेट लोगों के कैंसर से इलाज होने वाली मशीनों का उद्घाटन तो करते हैं, लेकिन जो सरकार का सबसे प्रतिष्ठित बना हुआ है कैंसर इंस्टीट्यूट, और कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए क्या किया सरकार ने? अगर आप मुख्यमंत्री कोष से लोगों की मदद कर रहे हैं, अगर आप आंकड़े निकल पाएंगे तो सबसे ज्यादा जिस बीमारी में आपने मदद की होगी तो हो सकता वो कैंसर हो। छेड़खानी से तंग आकर 30 छात्राओं ने छोड़ दिया स्कूल, गैंगरेप पीड़िता के बरेली में हत्या, बदायूं में कार्रवाई न होने से हाथ दुष्कर्म पीड़िता ने खुदकुशी की, मैं कितनी घटनाएं बताऊं? खेत गई किशोरी के हाथ बांध कर किया दुष्कर्म, स्कूल में नाबालिग से किया गैंगरेप, नौकरी की तलाश में प्रतापगढ़ पहुंची युवती के साथ गैंगरेप, प्रिंसिपल की अश्लील हरकतें सामने आई तो स्कूल से कटवा लिया नाम, दुष्कर्म पीड़िता ने दी जान, तीसरे दिन शव साथ लेकर थाना घेरने गई, सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित महिला की हत्या, युवती को अगवा कर दुष्कर्म किया, छात्रा को बंधक बनाया तमंचे से बल पर रेप, महिला कांस्टेबल से दरोगा ने किया दुष्कर्म, कितनी घटनाएं मैं बताऊं आपको? अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस चर्चा में मुझे भी बोलने का अवसर मिला। ये चर्चा जहां से शुरू की गई डॉक्टर नीरज बोरा जी ने शुरू की थी और लगातार माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है। इस अभिभाषण में बहुत सी बातें आई हैं। अध्यक्ष महोदय, दरअसल ये जो डॉक्यूमेंट है, जो माननीय गवर्नर महोदया ने यहाँ पे रखा है, एक सरकारी डॉक्यूमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन है कि जो सरकार लिख कर के देगी
वही उन्हें पढ़ना पड़ेगा। सरकार ने अपनी बहुत सी बातें इसमें रखवाई हैं जो सच्चाई से दूर हैं। ये जितना सच का डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, सच्चाई के साथ, उतना नहीं दिखता है। जो सरकार लगातार $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात कर रही हो और अभी तक 1 बिलियन असत्य बातें कहने के बाद भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक नहीं पहुंच पाए। अध्यक्ष महोदय, लोकराज लोकलाज से चलता है। मैं इस अभिभाषण के आखिरी में जिन बातों को लिख करके कहा गया है कि ये उत्तर प्रदेश किस किस में नंबर एक है, वो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश नंबर एक है किस में? अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक संख्या में कार्यवाहक डीजीपी बनाने में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ बहुत सारे माननीय सदस्यों ने समस्या उठाई है, छोटा पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटना में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। झूठे प्रचार पर खर्च करने में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। अपने लोगों के मुकदमे हटाने में नंबर वन, रोजगारों पर लाठी चलवाने में नंबर वन, महिलाओं के खिलाफ अपराधियों को बचाने में नंबर वन, खड़ी फसल की अन्न पशुओं द्वारा बर्बादी में उत्तर प्रदेश नंबर वन, दलित पिछड़ों के उत्पीड़न में नंबर वन, गरीबों का हक मारने में नंबर वन, लगी लगाई नौकरी छीनने में नंबर वन, अपनों को पिछले दरवाजे से नियुक्ति देने में नंबर वन, भूमाफियाओं को सत्ता का संरक्षण देने में नंबर वन, नंबर वन केंद्र और राज्य की टकराहट में, जनता को गुमराह करने में नंबर वन, और पीडीए को प्रताड़ित करने में भी ये सरकार नंबर वन है। जब इस अभिभाषण को मैं पढ़ रहा था और मैंने जब यहां सुना था तो मुझे लगा कि सरकार इतनी रफ्तार से विकास कर रही है, हम लोगों को क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? उस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 1 दिन में 2 पुल बनते हैं, 1 दिन में 2 पुल बनते हैं, मतलब कागज पर बने पुल सारा बजट गुल, 1 दिन में 2 पुल। हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, अगर इस डॉक्यूमेंट में ना हो तो बता दीजिए आप। इस डॉक्यूमेंट में है, हाँ सत्य है, औसत में है। मैं अध्यक्ष महोदय, जो इस किताब में लिखा है, जो इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, वही बाद में कह रहा हूं। हमारी सबसे बड़ी मददगार अर्थव्यवस्था के लिए कोई है तो हमारी खेती है, हमारा किसान है, और किसान के बिना हमारी अर्थव्यवस्था वहां नहीं पहुंच सकती है जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश और देश भी खुशहाल होगा। और ये बात मैं आज पहली बार नहीं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने समय समय पर, और जितने भी हमारे पुराने नेता रहे हैं समय समय पर उन्होंने यही कहा, और दुनिया ने उदाहरण ये दिए हैं कि जिस समय हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है तो हमारे किसान की अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जाना पड़ेगा। लेकिन आज जब हम देखते हैं पीछे मुड़ करके, डबल इंजन की सरकार में किसान को कितनी राहत मिली है,
किसान कितना खुशहाल हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सपा ही हमेशा किसानों की पार्टी रही है और किसानों की सच्ची आवाज़ बनकर के हमेशा उठाई है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया है, लागत बढ़ा दी जो कभी नहीं हुआ, बोरे की चोरी वो हो गई। और अध्यक्ष महोदय ने कई बार कहा ये बोरी की चोरी एक बहुत पुराना बिस्किट का पैकेट और बिस्किट आता था उससे कहीं भारतीय जनता पार्टी सीख रही है। उस कंपनी ने कभी अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया, आज भी पैकेट मिलता है। पहले उतने ही पैसे में इतना मिलता था, आज वो उसी पैसे में इतना हो गया है। पहले 5 किलो बोरी से गायब था, अब 5 किलो और गायब हो गया। तो सोचिए किसान कैसे खुशहाल होगा। आवारा पशुओं की वजह से फसल कितनी असुरक्षित है वो बजट में जब बात आएगी तो मैं बजट में कहूंगा। जो फसल बचती भी है उसकी कीमत क्या सरकार दे पा रही है? और सरकार बताए कि अगर एक मंडी बनाई हो कहीं पर, पूरे उत्तर प्रदेश में इस डबल इंजन की सरकार ने अगर एक मंडी कहीं नई बनाई हो तो सरकार बताए। और मुझे याद है कोविड के समय पर ये बात रखी गई थी कि बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए मिलने जा रहा है। अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पैसा मिला है तो वो पैसा कहाँ चला गया? और अगर पैसा मिला था और पैसा लगा होता तो हमारे किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? फसल बीमा के नाम पर लूट जारी है अभी तक। किसान अपना खेती करे या आंदोलन करे, और ये पहली सरकार है जहां पर किसान अपने हक और अपनी कानूनी मदद के लिए जब खड़ा हुआ और काले कानून को हटाने के लिए खड़ा हुआ तो लगभग 1,000 किसानों की जान चली गई। तो किसान खेती करे कि आंदोलन करे, और सरकार कम से कम ये बताए कि उनका फार्मूला क्या है जिसकी वजह से और जिसकी लागू हो जाने के किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। उसके बच्चों की सेना में भर्ती रोक दी गई है, सेना की पक्की पेंशन वाली नौकरी हमारे गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, आय दोगुनी करने के नाम पर आय ही छीन ली सरकार ने। किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई लेकिन आयु आधी हो गई। आज परिवार की चिंता की वजह से खेती किसानी के साथ साथ किसान भी आधा रह गया है। किसान सम्मान निधि में जिस तरह किसान लगातार घट रहे हैं या घटाई जा रही है संख्या, उससे वो दूर दिन नहीं कि जब केवल कागज पर ये योजना सिमट करके रह जाएगी। क्या किसान सम्मान निधि से ही किसान की आय दोगुनी हो जाएगी? या सरकार वो व्यवस्था बताएगी, वो फार्मूला बताएगी जिससे किसान की आय दोगुनी हुई होगी? और मैं ये कह सकता हूं कि किसानों के साथ सरकार ने धोखा देने का काम किया है। जो सरकार नौकरी देने की बात कह रही थी और फौज की पक्की नौकरी की बात करती थी, अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने का काम किया। और सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश के साथ हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान सबसे ज्यादा फौज में भर्ती के लिए जाता था। और सरकार ये बताए कि साल में 70,000 सैनिकों की स्थायी भर्ती होती थी,
ये डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है। 70,000 सैनिकों की स्थायी भर्ती होती थी और जिसमें 80% से अधिक पिछड़े दलित तो आदिवासी समाज के युवा सेना में भर्ती होते थे। सैनिकों को अच्छा वेतन, मेडिकल सुविधा, पेंशन सुविधा मिलती थी। सैनिकों के परिवार और परिजनों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि रहा करती थी। ये जानबूझ करके सरकार ने इसलिए किया है जिससे पीडीए के लोग और पीडीए के लोगों के घर में खुशहाली ना आ जाए। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू होने के बाद 70,000 की बजाय अब केवल 40,000 भर्ती होंगे। 4 साल के प्रशिक्षण के बाद लगभग 11,000 युवाओं को स्थायी नौकरी दी जाएगी और लगभग 35,000 युवाओं को सेना से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो 35,000 युवा 4 साल के बाद निकाल दिए जाएंगे, उन्हें ना तो पेंशन दी जाएगी और ना तो कोई मेडिकल सुविधा दी जाएगी। ये डबल इंजन की सरकार आखिरकार क्या कर रही है? और अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले अग्निवीर का एक नौजवान शहीद हुआ था। जब वो अपने घर पहुंचा था तो कोई सरकार का इंतजाम नहीं था। जिस सम्मान के साथ कभी समाजवादी पार्टी के समय पर नेताजी ने जो फैसला लिया था कि फौज का व्यक्ति, अगर फौज का जवान अगर घर जाएगा तो पूरे सम्मान के साथ जाएगा और बजट का कितना भी पैसा खर्च करना पड़ेगा तो सरकार खर्च करेगी। लेकिन जब पहला अग्निवीर शहीद हुआ, उसको वो फौज का सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था उसको। और जो लोग नौकरी की बात कह रहे थे, क्योंकि जब यही नौकरी छीन ली गई, वो इसलिए छीनी गई कि उनका परिवार खुशहाली के रास्ते से रोका जा सके। जो मैं घटना बताना चाहता हूँ सर, अध्यक्ष महोदय, हाल ही में अभी कानपुर में एक शहीद हुआ था। जब वो शहीद परिवार के बीच में आया तो फौज के बड़े अधिकारियों ने कहा कि इस ताबूत को खोलिएगा नहीं, कॉफिन को खोलिएगा नहीं, घर परिवार के लोग जिद करें, तब भी मैंने समझता हूं नहीं खोला गया। वहां कोई सरकार का बड़ा व्यक्ति नहीं पहुंचा, सम्मान के लिए कोई बड़ा नहीं पहुंचा। और जो सीमा पर जहां पर गलती हुई थी सेना से के माध्यम से, उन परिवार के लोगों से मिलने के लिए एयर चीफ मार्शल, बड़े बड़े लोग पहुंचे। वहां तो बड़े लोग जा रहे हैं, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश का अगर कोई शहीद हो गया तो उसके घर परिवार से मिलने कोई नहीं जा रहा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई अग्निवीर होगा शहीद, तो क्या सरकार उसको सम्मान देगी कि नहीं देगी? ये बातें क्यों छूट गई इस डॉक्यूमेंट में? ईज ऑफ लिविंग की बात हुई है, ईज ऑफ लिविंग को क्या मानूं मैं, कैसे डिफाइन करूं मैं? 6 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बाहर आ गए हैं। वो पैरामीटर्स क्या हैं? जिन पैरामीटर्स पे, और जब जवाब आया अध्यक्ष महोदय, हालांकि जवाब सरकार का कम मिलता है, लेकिन अगर जवाब आए सरकार का तो किस किस ईयर में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बेहतर काम हुआ है सरकार, कम से कम वो बात भी बताइए। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जो बात कही जाती है उसका सीधा जवाब नहीं मिलता, क्योंकि जवाब से छिपने का काम सरकार करती है। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो सरकार चाहती है लेकिन सबको बराबर नहीं लाना चाहती है।
अध्यक्ष महोदय बिना सबको साथ लाए सबका विकास संभव नहीं है। और सबको साथ लाने के लिए सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ेगी, सामाजिक न्याय के रास्ते पे चलना पड़ेगा, और बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। अगर सबका साथ है तो पीडीए के साथ भेदभाव क्यों है? पीडीए के साथ भेदभाव क्यों है? जो कह रहे हैं कि ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया उत्तर प्रदेश, सरकार कह रही कि ड्रीम डेस्टिनेशन है, कहीं ऐसा तो नहीं ड्रीम डेस्टिनेशन केवल ड्रीम ही है? चुनाव में जा रहे हैं तो ब्रेकिंग सेरेमनी की तारीखें आ रही हैं। अध्यक्ष महोदय अगर 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं तो 40 लाख करोड़ के एमओयू होने के बाद जो कहा जा रहा है इसमें 1 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार की बात इसलिए हो रही है क्योंकि नौकरी देने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान का पालन करना पड़ेगा, उनके हक की बात होगी, इसलिए सरकार रोजगार की बात कर रही है, नौकरी की बात नहीं कर रही है। और 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश में 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अध्यक्ष मोदी सरकार बताए कि सच्चे में सच्चाई में कितना निवेश आया है और उस निवेश से कितनों को रोजगार मिला है, कितनों को नौकरी मिली है, ये सरकार बताए। क्योंकि सरकार कह रही है कि 40 लाख करोड़ आने के बाद 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आखिर सरकार बताए कितनों को रोजगार मिला है। और फिर जो निवेश करने वाले लोग हैं वो दूसरे प्रदेशों में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं इस डॉक्यूमेंट में कई बार सुपर कंडक्टर की बात आ रही है, बजट में देखता हूं तो सुपर कंडक्टर की बात आ रही है। अध्यक्ष महोदय सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद उत्तर प्रदेश जिताता है और ये बात डिनाई नहीं कर सकती बीजेपी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद यहां से जीतते हैं, उसी की वजह से देश में प्रधानमंत्री जी बनते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ रही है? आपके प्रदेश को छोड़कर के दूसरे प्रदेश में क्यों जा रही है? और जो इन्वेस्टमेंट मीट उन प्रदेशों में हुई है, जो उद्योगपति यहां आए थे वही उद्योगपति वहां थे, उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले हम निवेश वहां करेंगे। अगर प्राथमिकता निवेश वहां है तो निवेश यहां कब होगा? जिन लोगों ने दावा किया कि निवेश हम वहां पहले करेंगे तो आपके यहां निवेश कब होगा? और फिर मैंने सुना कि तमिलनाडु को कहा गया कि एग्जाम्पल है मेक इन इंडिया का जो यहां पर काम हुआ है। अगर तमिलनाडु को कहा जा रहा हूं मेक इन इंडिया का एक एग्जाम्पल है तो ये बात उत्तर प्रदेश के इस डॉक्यूमेंट में अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं आई? अगर मेक इन इंडिया है को सहयोग यूपी क्यों नहीं कर रहा है? आप क्यों इंसेंटिव नहीं दे पा रहे उद्योगपतियों को जिससे कि यहां पर उद्योग और कारखाने लगे? हमारे माननीय सदस्य हाईवे की बात कर रहे हैं, 5वें पेज पे लिखा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, 6 एक्सप्रेस वे संचालित हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, बलिया एक्सप्रेस वे,
एवं गंगा एक्सप्रेस वे। अध्यक्ष मोदी, मैंने कई बार कहा, क्या कारण है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे नहीं दे रही है? और ये बात मैं पहली बार नहीं कहने जा रहा हूं सरकार के सामने, मेरे जितने भाषण हैं उठा करके दे लीजिए, मैंने हर बार कहा कि देश में अगर बन रहा है एक्सप्रेस वे तो भारत सरकार यूपी में क्यों नहीं बना रही? अगर एक भी भारत सरकार के बजट से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बन रहा हो तो अध्यक्ष महोदय सरकार बताए हमें कि कौन सा एक्सप्रेस वे है जो भारत सरकार के बजट से उत्तर प्रदेश में बन रहा है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि अगर आपके बजट का पैसा वहां जाएगा और अगर वो पैसा बच जाए तो हमारे किसानों का भला हो सकता है। उस पैसे को आप मंडी बनाने में लगा दें और किसानों को सुविधा देने के लिए लगा दें। और आपका तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस बन जाना था 2022 तक। हम लोगों को अध्यक्ष महोदय लगता है और इंतजार करना पड़ेगा, ये तो 24 आ गया है। ये बलिया के हमारे साथी, बलिया लिंक कहां से निकल रहा है? मानी सदस्य अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात लिखी गई है, प्रगति पर है, तो सरकार क्यों लिख करके दे रही है प्रगति पर है? गोरखपुर लिंक तो मैं मान सकता हूं प्रगति पर है और वो पूरा भी हो जाएगा, लेकिन जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना है। 91 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, लगभग 6000 करोड़ का बना है। और यहां तो माननीय सदस्य जितने बैठे हैं, ये नोएडा ग्रेटर नोएडा से आगरा वाले पे भी चले होंगे, यमुना क्रॉस करने के बाद जो एडीए आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का बना है वो लिंक में भी चले होंगे, और उसके बाद आगरा लखनऊ पे भी चले होंगे, और उसके बाद पूर्वांचल पे भी हमारे कई माननीय सदस्य चले होंगे। ये चेहरे से कहें ना कहें, लेकिन इनके मन में इनको पता है कि सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे कौन सा बना है। ना कहो आप, लेकिन जानते हो आप। और मैं अध्यक्ष महोदय दावा कर सकता हूं कि दुनिया के जो बेहतरीन एक्सप्रेस वे हैं उसके बराबर कोई एक्सप्रेस वे बना है तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है जो समाजवादियों ने बनाया। ये बात मैं बार बार बोलता हूं। और जो उसके किनारे वेसाइड एम्यूनिटीज, पता नहीं अध्यक्ष महोदय आपने तो उद्घाटन किया है उन वेसाइड एम्यूनिटीज का। अध्यक्ष जी आप ही पे भरोसा है मुझे लगता है, क्योंकि आपने उद्घाटन किया है तो आप अपने पद का इस्तेमाल करते हुए कम से कम पूर्वांचल में भी वैसे ही वेसाइड एम्यूनिटी बनवा दीजिए जैसे आपने उद्घाटन किया है। और फिर लिंक रोड प्रगति पर है, मुझे नहीं पता कोई एक्सप्रेस वे हवा में भी बनता है। जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट अगर बने हैं तो क्या मुआवजा उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उनको? जो मुआवजा जमीन लेने के लिए जो काम होने चाहिए उसके लिए सरकार मदद, या जिस तरीके का उनको देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है सरकार। पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह जहां सरकार जमीन लेना चाहती है वहां मार्केट वैल्यू से नहीं दे रही है पैसा, मार्केट वैल्यू का पैसा नहीं दे रही है सरकार। और चाहे वो फैजाबाद हो, अयोध्या हो, या चित्रकूट हो, जहां पर सरकार को सर्किट रेट से पैसा देना चाहिए, कहीं भी सर्किट रेट से पैसा सरकार नहीं दे रही है, और सर्किट रेट बढ़ा करके नहीं दे रही है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में जो कोई भी विकास के लिए समाजवादी सरकार में लिया गया था जो भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन, उसमें 4 गुनी मुआवजा देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है आपका
तो उसमें जमीन को लेकर के आप मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं उनको, जो मुआवजा उनको मिलना चाहिए किसानों को नहीं दे रहे हैं। अभी हमें माननीय सदस्य बता रहे हैं कि चित्रकूट में डिफेंस का कॉरिडोर बनने जा रहा है, लेकिन कॉरिडोर के लिए जो जमीन ली जा रही है वो पुराने रेट पे ली जा रही है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि आखिरकार सरकार को क्या फर्क पड़ता है खजाना किसान के ऊपर चला जाए तो, सरकार क्यों नहीं दे रही है उनको मुआवजा, और मुआवजा कब का दे रहे हैं, कब का मुआवजा दे रहे हैं, जाने कब का मुआवजा मिल रहा है। 500 हेक्टेयर जमीन लेना चाहते हैं आप, किसानों की 500 हेक्टेयर जमीन लेना चाहते हैं आप, और मुआवजा क्या दे रहे हैं आप, क्या सर्किल रेट बढ़ा करके मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। ये चित्रकूट की मामला है, और अभी तो बजट में सरकार ने कहा है कि वो बजट में मैं चर्चा करूंगा कि लखनऊ में दिल्ली की तरह लखनऊ में भी एक एयरपोर्ट के पास एरिया डेवलप होगा जिसमें 5 स्टार से लेकर के न जाने क्या क्या चीज़ें बनेंगी। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें देरी क्यों, और देरी इसलिए है क्योंकि सरकार सही मुआवजा नहीं देगी। और हम लोगों ने तो ऐसी जगह देखा है, सुना भी है, लोगों से मैं मिला भी हूँ कि जहाँ पर किसान और जो वर्षों से लोग रह रहे थे उनके साथ बहुत बड़े पैमाने पे भेदभाव हुआ। और मैंने अध्यक्ष महोदय हर बार कहा, पत्र लिख करके भी सरकार को भेजा कि अगर कोई पुण्य का काम होने जा रहा है, अगर बहुत बड़ा कोई काम होने जा रहा है तो उसमें किसान के साथ क्यों ये भेदभाव, जो बरसों से लोग रह रहे हैं उनके साथ ये धोखा क्यों। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या राम पथ के निर्माण में नया घाट के सादतगंज तक मुआवजे के इनाम पर अधिकारियों ने भारी लूट की, व्यापारियों और आम जन का शोषण हुआ। मैं जानता हूं वहां पर बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग मुझसे मिले थे आकर के, और सरियों में खड़े होकर के उन्होंने अपने जनेऊ की कसम खा करके कहा था कि हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को। एयरपोर्ट के निर्माण में किसानों की जमीन को सही मुआवजा नहीं दिया गया। माझा बरेटा माझा जमथरा मैं किसान परेशान है, 3-4 पीढ़ियों से रह रहे हैं लोग, उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दे रही सरकार। 14 कोसी पंचकोसी मार्ग में चौड़ीकरण में जिन लोगों का मकान जमीन पर, जिन लोगों का मकान और जमीन जा रही है उनको मुआवजा सरकार नहीं दे रही है। बोल दिया मैंने। और अयोध्या से ज्यादा जमीनों का गोरख धंधा कहीं नहीं हुआ। सत्ता के संरक्षण में रजिस्ट्रियों में अनियमितताएं हुई, कितने घंटे में कितना बदल गया, कुछ मिनट में कुछ करोड़ों कमा लिया। और जिस तरीके का विकास होना चाहिए था वो विकास सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार कह रही जाने कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिए हैं। अच्छी बात है, आजमगढ़ का सरकार कहेंगे शुरू करने जा रहे हैं, मुरादाबाद का कहेंगे शुरू करने जा रहे हैं, चित्रकूट का शुरू करने जा रहे हैं, ये तीनों समाजवादियों के बनवाए हुए, कुशीनगर भी समाजवादियों का बनवाया हुआ है।
मुझे उम्मीद है कि आपके जो नई पॉलिसी बनाई है आपने सेमीकंडक्टर की, उससे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी किसी और प्रदेश में नहीं जाएगी, उत्तर प्रदेश में ही आएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने का मतलब है हमारे तमाम उत्तर प्रदेश के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छी डिग्री हासिल है, जिनके हाथ में अच्छी डिग्री है, उन्हें नौकरी करने कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने घर परिवार के बीच में रह करके नौकरी और रोजगार कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कोई और तरह का समझौता हो जहां इसराइल भेजा जा रहा हो लोगों को। सोचिए यूपी में नौकरी नहीं, उनके स्टेटमेंट सुनिए आप, मजबूरी में वो वॉर जोन में काम करने जा रहे हैं और आप कह रहे 40 लाख करोड़ जाने कितने करोड़ को रोजगार दे देंगे। तो आखिरकार रोजगार है कहाँ? अगर रोजगार होते तो लोगों को यहीं रह करके काम करना पड़ता, यहीं पर काम मिल जाता। सरकार कह रही कि 1,80,000 से अधिक जनसेवा केंद्र राज्य में संचालित हैं। अगर इतने जनसेवा केंद्र संचालित हैं तो अपने मामूली विवाद में जमीन को लेकर के किसी को मेरठ में आत्मदाह क्यों करना पड़ रहा है? बाराबंकी में तहसील के ऑफिस में क्यों आत्मदाह करना पड़ रहा है? अगर इतने केंद्र खुले हैं, 1,80,000 जनसेवा केंद्र, तो मेरठ में आत्मदाह कर लिया, किसान को अपने आत्मदाह करना पड़ा जमीन को लेकर के। और सच्चाई यह है अध्यक्ष महोदय, जो जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए कह रहे थे, इनका जीरो टॉलरेंस जीरो हो गया। किसी भी मान्य सदस्य से पूछ लीजिए आप, तहसील और थाने में क्या हो रहा है? इतना करप्शन, इतनी लूट कभी नहीं हुई होगी जितनी हो रही है इस समय। सरकार कह रही सोलर को लेकर के बहुत काम करना चाहती है, विद्युत उत्पादन में। वो बातें मैं रिपीट नहीं करूंगा जो बातें मैं पहले कह चुका हूं कि अभी तक इस सरकार ने कोई भी थर्मल प्लांट नहीं लगाया है, अभी तक कोई बड़ा बिजली का कारखाना इस सरकार ने नहीं लगाया, और जो पुरानी सरकार में लगे भी हुए थे, जो लग रहे थे, उनको भी सरकार ने नहीं पूरा कर पाए। और जो बिजली आ भी रही है, जो आप आंकड़े में दिखाते हैं, ये वही कारखाने हैं जो समाजवादियों की सरकार में लग रहे थे, उन्हीं के कारण आपको ज्यादा बिजली उत्पादन उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। आप कह रहे सोलर का कर रहे हैं, बड़े बड़े इसमें लिखा है कि जाने कितना सोलर का काम होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूंगा, इस देश के रहे राष्ट्रपति जी, उन्होंने एक सुझाव दिया था मुझे और सुझाव पर मैंने काम किया। जब मेरी उनसे बातचीत हुई, जब उन्होंने प्रेजेंटेशन किया था, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की व्यवस्था आप लागू कर देंगे तो मैं उद्घाटन करने आऊंगा। मुझे याद है कि सबसे कम समय में उसको चालू कर दिया था सोलर प्लांट, और उन गांवों को फ्री बिजली मिलने लगी थी, अभी तक फ्री बिजली मिल रही थी। लेकिन इस सरकार ने उसकी देखभाल नहीं की, वो कारखाना बंद हो गया, आज गांव को बिजली नहीं मिल पा रही है। और वो एक गांव में नहीं, कई गांवों में लगाने का काम शुरू हो गया था, रायबरेली में भी लगा था, उन्नाव में भी इसी तरह काम शुरू हुआ था। तो जो सरकार देश के राष्ट्रपति के माध्यम से उद्घाटन किया, उनके सुझाव पर सोलर प्लांट लगा हुआ, बहुत छोटा 250 किलोवाट का,
अगर वो नहीं चला सकती सरकार, तो इसमें जो सपने दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, वो कब पूरा होगा? और सोलन में जो काम समाजवादी सरकार में हुआ था, वही सरकार के पास उदाहरण है। ये जो एक्सप्रेस वे है, इसमें जितनी भी लाइटें जल रही हैं, अध्यक्ष महोदय, वो सोलर के माध्यम से ही जल रही हैं। सरकार विश्वविद्यालयों के बारे में बता रही है कि ए डबल प्लस मिला है सरकार को, वो यूनिवर्सिटी को ए प्लस मिला है, लेकिन सरकार ये बताए उसमें पीडीए को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन यूनिवर्सिटियों में पीडीए के लिए कुछ है कि नहीं है? मैं बहुत बड़े आंकड़े नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि बजट में बोलूंगा तब भी मैं आंकड़े कुछ दूंगा। यूनिवर्सिटीज ए प्लस, ट्रिपल ए प्लस, डबल ए प्लस, ये तो हो रही हैं, ये बताया जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट किसका हो रहा है? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में पीडीए कितना है? महिला आयोग में पीडीए कितना है? अध्यक्ष मोदी, जब मैं सदन में आया ही आया था तो पीडीए के लोग बोल रहे थे, महिला आयोग में पीडीए कितना है? यूनिवर्सिटी में जॉब्स में, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कुल भर्ती में पीडीए केवल 3% है। जो लोग मेडिकल कॉलेज के लिए जगह ढूंढ रहे हैं बलिया में, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी भर्ती में पीडीए 0, पीडीए 0। और अगर मेडिकल कॉलेज बनाना है तो मैं समझता हूँ वहाँ पर्याप्त जगह होगी, किसी और की जगह पर क्यों जाना जब आपके पास यूनिवर्सिटी में ही जगह है, पर्याप्त जगह है। तो मेडिकल कॉलेज अगर बनना है तो वहीं बनाए आप। हिंदी न्यूज चैनल में पीडीए 3%, हिंदी न्यूज चैनल एडिटर्स और अन्य स्थानों पे पीडीए कितना है? 3%। यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स, पीडीए कहाँ है उसमें? फिर पीडीए जाएगा कहाँ? फिर पीडीए कहाँ जाए? पीडीए जाए कहाँ फिर? मैं जानता हूँ पीडीए पे नहीं बोलेंगे आप, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूं, पीडीए पे नहीं बोलेगा कोई। ये ए प्लस, ए प्लस प्लस, इसका कोई मायने नहीं है अगर पीडीए वहां पर नहीं है तो। राजकीय आईआईटी या आईआईटी की बात तो क्या मैं बोलूं? अध्यक्ष महोदय, यूपी में जब से बीजेपी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, एक सैन्य स्कूल बना है, कोई नया आईआईटी नहीं आया,
कोई नया आईएम नहीं आया, कोई नया एम्स नहीं आया। जो आए हैं पुरानी सरकार के हैं, या जमीन दी गई थी या उनको आगे बढ़ाने का काम किया था। इधर कौन सी नई व्यवस्था आई है? कोई आईएम आया हो तो बता दें, कोई आईआईटी आया हो नया तो बता दें। कहा जाता था कि निफ्ट आएगा यूपी में, निफ्ट बनेगा यूपी में, और जगह क्यों नहीं आया निफ्ट? और मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार थी, वो एक सैन्य स्कूल बनाना चाहते थे। मैंने उस समय वहां के मंत्री जी से कहा कि एक सैन्य स्कूल नहीं बनेगा, यूपी में और भी सैन्य स्कूल बनेंगे। जो एक देना चाहते थे उन्होंने 3 सैन्य स्कूल दिए थे। आखिरकार डबल इंजन सरकार को क्या हो गया है? आईटीआई 260 से बढ़कर 305 सीटें, 1,00,000 से लेकर के 25,000, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स नहीं उनके लिए। एकेटीयू द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में इनोवेशन हब की स्थापना की गई। मदन मोहन मालवीय औद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं HBTI, इनको ए से ए प्लस ग्रेड पे ले आए हैं। लेकिन यहां पर पीडीए कहां है इसमें? अगर पीडीए हो तो बताए सरकार कहां पर है पीडीए। और मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय सरकार पीडीए को बताए कि आखिरकार इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई कहां हैं और आदि आबादी के लोग कहां हैं। सरकार कह रही है 43,475 बीज मिनी किट का वितरण कराया गया है, लेकिन फार्मर्स को MSP कब मिलेगी? नमामि गंगे में, नमामि गंगे योजना में ये काम हुए, लेकिन जमीन पर कहां दिख रहा है? सब गांव खोद दिए गए। क्वालिटी ऑफ पानी क्या होगा, क्वालिटी ऑफ जो ड्रिंकिंग वाटर होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी? सोलर पंप लगाए जा रहे हैं, अच्छी बात है कि, लेकिन ये समाजवादियों की सरकार में शुरू हुए थे, वही सोलर पंप है। जो लोग कह रहे हैं कि उत्पादन बढ़ा है, लेकिन प्रोक्योरमेंट कितना हुआ है? सरकार का जो प्रोक्योरमेंट है आखिरकार वो कितना किया है प्रोक्योरमेंट? और सरकार पेड़ों को लगाने की बहुत बड़ी गिनती बताती है कि इतने करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़। अगर अध्यक्ष महोदय हम गिन लें तो 100 करोड़ से ज्यादा तो पेड़ सरकार लगा चुकी है। जितनी जमीन है नहीं पेड़ लगाने के लिए, उतने पेड़ लग गए हैं। और मैंने एक बार मेजरमेंट दिया था कि 1,000 एकड़ में 1,23,000 पेड़ लगाए थे। तो अगर 1,000 एकड़ में 1,23,000 पेड़ लगते हैं तो 100 एकड़ के लिए कितनी जमीन चाहिए होगी 100 करोड़ पेड़ों के लिए। राष्ट्रीय उद्यान और एक लायन सफारी इन्होंने बनाई है। लायन सफारी की देखभाल इतनी हो रही है कि 16 जानवर वहां पर मर चुके हैं। जो अनएक्सपीरियंस्ड लोग थे उसको सरकार ने वहां बैठाया और उसके परिणाम ये हुए कि वहां पर बड़ी संख्या में जानवरों की जान गई। एसेटिक लाइन्स जिनकी सेवा कर करके और व्यवस्थित कर करके उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ ये काम। एसेटिक लाइन्स लाए गए उस तक की देखभाल सरकार नहीं कर पा रही है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ नेक ए प्लस, लेकिन वहां पीडीए के साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उसके साथ? कितना भेदभाव है? आप तो कह रहे थे कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बना देंगे,
अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर आपने कहा मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। इसी लोक भवन के सामने शिलान्यास हुआ था, आज तक पूरी नहीं हो पाई है, पता नहीं कब बनेगी जाकर के। और वो जगह वहां पर बनी जहां पर कैंसर इंस्टीट्यूट है। मुख्यमंत्री जी, प्राइवेट लोगों के कैंसर से इलाज होने वाली मशीनों का उद्घाटन तो करते हैं, लेकिन जो सरकार का सबसे प्रतिष्ठित बना हुआ है कैंसर इंस्टीट्यूट, और कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए क्या किया सरकार ने? अगर आप मुख्यमंत्री कोष से लोगों की मदद कर रहे हैं, अगर आप आंकड़े निकलवाएंगे तो सबसे ज्यादा जिस बीमारी में आपने मदद की होगी तो हो सकता वो कैंसर हो। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट थी और कैंसर के इलाज के लिए थी। मेदांता जो समाजवादियों की सरकार की वजह से बना, उसमें तो आप मशीन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए की जो मशीनें पड़ी हैं आपके सरकारी कैंसर इंस्टीट्यूट में, उसको क्यों बर्बादी के हालात पे छोड़ दिया आपने? वहां पर रिसर्च होती, इलाज होता, और जो गरीबों को यहां से जाना पड़ता है, कभी दिल्ली कभी मुंबई, उन्हें वहां जाना नहीं पड़ता, उनको सस्ते में और इलाज यहीं पर मिल जाता। लेकिन कैंसर इंस्टीट्यूट इतने सालों बाद भी परमानेंट डायरेक्टर नहीं है वहां पर, आपकी इंस्टीट्यूशंस कैसे चलेंगी? आपने डबल डबल चार्ज दे रखे हैं। आप कुछ ही लोगों को सब कुछ दे देना चाहते हैं। अगर ये बात सच नहीं है तो बताएं, जो लोग थोड़ा बहुत मुस्करा देते हैं पीडीए को लेकर के। इसीलिए यही हमारा झगड़ा है कि आप कुछ लोगों को सब कुछ देना चाहते हो और जो ज्यादा आबादी में उसको नहीं देना चाहते हैं। अपॉइंटमेंट्स क्या हो रहे हैं? क्या उसमें जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं पीडीए के हिसाब से हो रहे हैं कि पीडीए को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उसमें? इसीलिए आप डायरेक्टर क्या कर रहे हैं? आप डायरेक्टर नहीं दे पा रहे परमानेंट लखनऊ में, जहां पर मरीज सबसे ज्यादा आता है। अगर सरकारी अस्पतालों का आप हिसाब किताब लगा लेंगे ओपीडी, तो लाखों लाख लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ आते होंगे इलाज के लिए। और आपकी संस्थाएं कैसी चल रही हैं? वो तस्वीरें हम लोग देखते हैं, वो जब सिफारिश करते हैं तब हम लोग महसूस करते हैं कि अगर आपको अस्पताल में एडमिट करना है तो आपको सिफारिश के बाद भी एडमिट नहीं करा सकते। इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में आप इलाज नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जो संसाधन, जो बजट, जो इंतजाम करना चाहिए वो सरकार नहीं कर पा रही। जब इंस्टीट्यूशन को चलाने वाला परमानेंट नहीं होगा तो कैसे इंस्टीट्यूशन में इलाज दिला देंगे आप? और आप कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा। आपका कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं चल पा रहा है मानक के हिसाब से, वो जानबूझ करके परमानेंट अपॉइंटमेंट्स नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को इन्हें खुश रखना है। हमें कोई शिकायत नहीं है कि दूसरे प्रदेश के लोग आए नौकरी करें, लेकिन अध्यक्ष मोदी, ये कैसे हो सकता है कि एक ही दो इंस्टीट्यूशन के सब आ जाएं वहां नौकरी करने? जो मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, क्या उसमें अपॉइंटमेंट्स पूरे हैं? क्या इलाज पूरा मिल रहा है? और जो मशीनें बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई हैं, क्या उन पर डॉक्टर्स जो इलाज करना चाहिए वो कर पाएंगे? जो लोग कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर पर, फिर महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध क्यों? सबसे ज्यादा घटनाएं उनके ऊपर क्यों? देश में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश क्यों? योगी, आप कहते हैं कि महिलाओं बहन बेटियों के साथ उनके राज में छेड़खानी रेप नहीं होता, दुष्कर्मी अगले चौराहे पर मार गिराए जाते हैं। बीएचयू में
एक बहन के साथ क्या हुआ कोई आज के समय पे कल्पना नहीं कर सकता। एक बेटी और बहन के साथ क्या हुआ जो लोग पकड़े गए हैं वो तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर हैं। वो और अध्यक्ष महोदय कोई आसानी से मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता। तीनों की फोटो हमारे नेता सदन के साथ है। प्रशासन सरकार को पता था लेकिन क्या किया सरकार ने। और मुझे याद है जब कानपुर में एक मां बेटी के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था और आग लग करके मां बेटी जिंदा जल गए थे। पिता और उसका भाई देख रहा था बचा नहीं पाया। जब वो न्याय मांगने गया तो उसके कपड़े उतार दिए गए। वहां के अधिकारियों ने कपड़े उतरवाए। ये जीरो टॉलरेंस है सरकार का। और उस समय डिप्टी सीएम क्या कहते हैं उन्होंने जो ऑनलाइन बात की उससे, शिवम ये घटना बहुत ही दुखी करने वाली है, बहुत ही ज्यादा दुख है, हमें पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं, जब से हमने सुना है कार्रवाई कर रहे हैं, जो आरोपी हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई 302 की है, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर गंभीरतापूर्वक काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय जो मांगे उस परिवार ने मांग की थी क्या सरकार ने पूरी कर दी? क्या आरोपियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो गई? क्या क्या आरोपियों पे सख्त कार्रवाई हुई है? क्या जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उनके समय पर जीरो लॉ एंड ऑर्डर है, जीरो लॉ एंड ऑर्डर। और एक घटना नहीं, घटनाएं कितनी गिनाई जा सकती हैं। छेड़खानी से तंग आकर 30 छात्राओं ने छोड़ दिया स्कूल, गैंगरेप पीड़िता के बरेली में हत्या, बदायूं में कार्रवाई न होने से हाथ दुष्कर्म पीड़िता ने खुदकुशी की, मैं कितनी घटनाएं बताऊं। खेत गई किशोरी के हाथ बांधकर किया दुष्कर्म, स्कूल में नाबालिग से किया गैंगरेप, नौकरी की तलाश में प्रतापगढ़ पहुंची युवती के साथ गैंगरेप, प्रिंसिपल की अश्लील हरकतें सामने आई तो स्कूल से कटवा लिया नाम, दुष्कर्म पीड़िता ने दी जान, तीसरे दिन शव साथ लेकर थाना घेरने गई, सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित महिला की हत्या, युवती को अगवा कर दुष्कर्म किया, छात्रा को बंधक बनाए तमंचे से बल पर रेप, महिला कांस्टेबल से दरोगा ने किया दुष्कर्म। कितनी घटनाएं मैं बताऊं आपको, न जाने कितनी घटनाएं। और ये सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस है। ये सरकार न्यूज कंट्रोल कर रही है, ये सरकार न्यूज कंट्रोल करती है, अपराध कंट्रोल नहीं कर रही है सरकार। और इसी का परिणाम है कि लॉ एंड ऑर्डर, लॉ अलग चल रहा है, ऑर्डर अलग चल रहा है। और जहां भाजपा के नेता शामिल हैं, भाजपा सरकार महिला नेता ने अपनी ही पार्टी के पदाधिकारी को लात घूंसों से पीटा। बीजेपी नेता को महिलाओं ने दौड़ा दौड़ा कर चप्पलों से पीटा। पुलिस कर्मियों ने भाजपा नेता की लगाई पिटाई, धरने में बैठे नेता, एसपी ने 4 लोगों को सस्पेंड किया। यह है लॉ एंड ऑर्डर आपका। और सबसे बेटर जो रिस्पॉन्स सिस्टम था, उस रिस्पॉन्स सिस्टम को बर्बाद अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने बर्बाद किया।
इस सरकार ने बर्बाद कर दिया, पहले नाम बदल करके और उसके अब काम करने के तरीके से। अब तो लोग घबराते हैं कि 100 नंबर अगर मिलाएं, 112 मिला दिया तो वो वसूलने आ जाएंगे। अब मदद नहीं हो रही है, उससे पैसा वसूला जा रहा है। और सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि जो फोन कर करके रिस्पॉन्स सिस्टम पे अपनी शिकायत करता है उससे भी पैसा वसूल ले रही है पुलिस, और उसको पकड़ करके थाने में बैठा दे रहे हैं। ये कहां का जीरो टॉलरेंस है आपका? ये जीरो टॉलरेंस आपका जीरो हो गया है। और आज की खबर तो आपने पढ़ी होगी, गोरखपुर की आज ही की खबर तो है कुछ, कि एक प्रोफेसर पास करने के लिए बातचीत कर रहा है। एक प्रोफेसर गोरखपुर में, क्या ये बात सही नहीं है कि नहीं है? क्या ये बात सही नहीं है कि गोरखपुर में, और केवल एक जगह की बात नहीं है, जो घटना इलाहाबाद में हुई, कपड़े उतार करके बताओ टीचिंग स्टाफ स्टूडेंट्स के कपड़े उतारेगा? और किस लिए? कोई बड़ी घटना नहीं है वो, ये इंस्टीट्यूशंस को आपने क्या कर दिया है? और इंस्टीट्यूशंस अगर खराब हो जाएंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा? गड्ढा मुक्ति पर करोड़ों खर्च हो गए, हर बजट में हजारों करोड़ है गड्ढा मुक्ति पर, हजारों करोड़। पता नहीं गड्ढा मुक्ति पे क्या हो रहा है, गड्ढा मुक्ति पे हजारों करोड़ रुपए अध्यक्ष महोदय। और मुझे कभी कभी लगता है कि कानपुर में सबसे ज्यादा गड्ढे होंगे। और इस सरकार ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कितनों से फोर लेन से जोड़ दिया है? अगर एक भी जोड़ा हो फोर लेन से इस सरकार ने तो बताए सरकार के लोग। और फिर अध्यक्ष महोदय हर दिन जानवर से जान जा रही है, कोई गाड़ी टकरा जाती है या जानवर जाकर के खेत में किसान काम कर रहा है उसको मार देता है, बाजार में घूम रहे हैं, हर दिन एक न एक व्यक्ति की जान जा रही है। अध्यक्ष महोदय मैंने पिछली बार भी एक सूची दी थी आपको, किसी की मदद नहीं हुई, मैं फिर सूची दूंगा। और अब तो और जानवर भी मार रहे हैं, केवल एक जानवर नहीं, अध्यक्ष महोदय सरकार का सबसे प्रिय जानवर वो जान ले रहा है, न जाने कितने लोगों की जान ले ली उसने। और अब तो जंगली जानवर, शेर हाथी टाइगर, ये लोग लोगों को मार रहे हैं, गुलदार आ गया। सरकार कर क्या रही है? ये बड़ी सूची अध्यक्ष महोदय, मैं क्या पढ़ूं, लेकिन मैं आपको टेबल कर रहा हूं मैं, और मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि उन सुझावों को भी मुझे दे दें जो सुझाव या उनकी जानकारी में है। बजट पर बोल लीजिएगा, वो बजट में जरूर बोलूंगा मैं। धन्यवाद। एक जो सरकार हमेशा बताती है अध्यक्ष महोदय, आप सहमत होंगे कि पूरे भारत में विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। हमारा नौजवान बेरोजगारी के कारण हताश और लाचार हो गया है। एक तो रोजगार नहीं मिल रहा उसे, अगर मिल भी रहा है तो उसकी शिक्षा के स्तर से के अनुरूप उसे काम नहीं मिल रहा, सम्मानजनक उसको रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। डिलीवरी बॉय बन जाना कोई नौकरी है, कोई रोजगार है उसका? और सरकार हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट में हमें उलझा के रखती है। आप उलझो नहीं अब, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। अध्यक्ष महोदय मुझे उम्मीद है कि जब नेता सदन ये बात कहें तो हम सब माननीय सदस्यों को कम से कम ये बताएं
कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, और सरकार ये आंकड़ा क्यों पेश करती है जिससे सरकार बचना चाहती है। 90% से ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला नौजवान यहाँ पर बेरोजगार है। सरकार कहती है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनके एक सबसे बड़ी योजना है, बजट में ले लीजिएगा उसको। और जिसका ये उदाहरण देते हैं कि एक्सपोर्ट में न जाने कितना उससे लाभ हुआ है सरकार को, लेकिन सरकार ये कभी नहीं बताती है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो जो वन डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट के लिए बजट क्या दिया आपने, अभी बताएं आपने आखिरकार बजट क्या दिया है। और ये पहली बार अध्यक्ष महोदय मैं नहीं पूछ रहा हूं, हर बार पूछा मैंने कि बजट क्या दिया है, सरकार बताए कि इत्र के लिए क्या दिया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में तो क्या आपने दिया है उसके लिए बजट। ये सहारनपुर लकड़ी की कारीगरी के लिए और वहां की हौजरी का कार्य जो लाखों लाख लोग जुड़े हैं, और केवल एक जिला नहीं, अगर हम बिजनौर का देखें, चाहे वो हमारे कंघी बनाने वाले लोग हों, चाहे हमारे और पीतल का एक्सपोर्ट भी होता है, ऐसे बहुत सारे सरकार ने आइडेंटिफाई किए हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट, तो सरकार बताए कि उस प्रोडक्ट के लिए ये बजट रखा है आपने जिसकी वजह से ये लाभ मिला है, और फिर आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन ये छापा क्यों मार रहे हैं जीएसटी वाले, ये जीएसटी वाले छापा क्यों मार रहे हैं, क्या आपने जानबूझ करके उन्हें भेजा है कि छापा मारिए जिससे कारोबार और बंद हो जाए। तो इस पे बजट पर बोल लीजिएगा नेता प्रतिपक्ष, मेरा रिक्वेस्ट। सरकार बहुत चिंतित रहती है ट्रैफिक को लेकर के, आपने कहा कोई शहर नहीं बचा है, जिस शहर में जाम न लगता हो सरकार बताए कि इन शहरों को जाम से बचाने के लिए क्या है। हालांकि अध्यक्ष महोदय मैं आपका कहना मानूंगा, केवल महंगाई पे बोल करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, थैंक यू, हालांकि बिंदु और भी हैं, सब पे टैग है मेरा इस बार, उसके बाद फिर ये सरकार महंगाई को रोकने के लिए क्या कर रही है, सरकार किसान की आय दोगुनी होनी, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला नहीं, आखिरकार महंगाई के लिए क्या कर रही है सरकार, सरकार उसको नियंत्रित करने का कोई प्रयास कर रही है कि नहीं कर रही है। और जो उत्तर प्रदेश है जिसकी $1 trillion इकोनॉमी का आप सपना दिखा रहे हैं, उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, आपकी सरकार में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है कि घटी है, और अगर हम 2017 की तुलना करें जो हमारे केवल खाने पीने के सामान हैं, चावल का दाम कितने परसेंट बढ़ गया ये सरकार बताए 17 से और अभी तक के लिए, गेहूं का दाम किसान को मिले तो ठीक है लेकिन मुनाफा कोई और ले तो उसमें दाम कितना बढ़ा है, अरहर की दाल क्या कीमत कम हुई है 2017 से कि बढ़ गई है, सरसों का तेल, और मैं ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप ब्रांडेड में की ही बात कर लें तो बताओ 2017 में क्या कीमत थी आज क्या कीमत है, प्याज का दाम, दूध का दाम, और हर सब्जी छोट सब्जियां आप उठा लो, लहसुन से लेकर के कोई किसी का दाम ये सरकार बताए, ये तो सब्जियां और अनाज और सब चीजें हो गई, ये सरकार बताए जो नमक का कसम दिला रही थी कि 2017 में नमक की कीमत क्या थी और आज दाम क्या है ये सरकार बताए। स्वास्थ्य सेवाएं तो चौपट है ही, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, शिक्षा का स्तर गिरा है, इन्वेस्टमेंट मीट का सपना दिखाया बड़ा दिखाया, ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था जिस स्तर पर वो नहीं हुआ, तो जो ये सरकार $1 trillion इकोनॉमी का सपना दिखा रही है बिना पीडीए के हक और सम्मान के ये सपना पूरा नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं अपने सभी माननीय सदस्यों का, जो विपक्ष के सदस्यों का धन्यवाद देता हूँ, और मुझे उम्मीद है
कि इनमें उनके भी सुझावों को शामिल कर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।